अबे बहुत ज्यादा, हम बहुत बच के आए, बहुत। एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स, काफी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज्यादा। बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग आज। कितने लोग थे, कितने लोग आए? हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव ही पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियाँ घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियाँ भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगे, बहुत ज़्यादा। अब हमें आदि नहीं पता, हम लोग भी 15-20 लोग एक घर के अंदर दबे पड़े थे, मतलब बहुत मुश्किल से बचे थे हम लोग। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग, उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, पूरा पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा। ऊपर से भी शीशे वगैरह भी फेंके उनने, बोतलें फूकी, ईंट, और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से, मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग। मरहम पट्टी हो गई है अभी आपकी? हाँ, इंजेक्शन लग गया है। ठीक है, पहले से दर्द हो रहा, चला नहीं जा रहा मुझसे बिल्कुल भी, और इंजेक्शन भी लग गया, एक्सरे भी हो गया अभी।